सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली से बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम फैसला होगा। फिक्स डिपॉजिट खोल दूं? वो कर रहे हैं, सबको सजा देना पड़ेगा, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी शांति होगी। नहीं, अब आगे दिलीप जी क्या मांग है ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आप लोग तो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस किस तरीके से हमको रोक रही है, लेकिन शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का ये नेता जो कि फरार चल रहा था, 50 दिन से ज्यादा का समय हुआ लेकिन अब तक पुलिस इसके पास नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 25 किलोमीटर दूर बैठकर यह सब कुछ देख रहा है, टीवी भी देख रहा होगा, देख भी रहा होगा कि मुझे कैसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। आशिका का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। आशिका अभी हमारे साथ में दिलीप घोष जी जुड़े हुए थे, हमने पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए संरक्षण बहुत बड़ा था और इसीलिए ये 25 किलोमीटर दूर बैठा था। एक चीज और समझाइए, क्या वहां पर भी इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की है, वहां बैठकर सब चीजें देख रहा था? देखिए वो एक मछली फार्म के बीच एक गेस्ट हाउस था जहाँ पर छिपा हुआ था और बिल्कुल घर से सटा हुआ इलाका है मिनाका जहाँ पर वो था। तो इतने लंबे समय से जैसा कि आप कह रही हैं हर गतिविधि पर वो नज़र बनाए हुए था, कैसे बीजेपी के नेता पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, कैसे उन्हें रोका जा रहा था, कैसे वहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो आरोप लगा रही थी, उसके दो गुर्गों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन वो गिरफ्तारियाँ भी कैसे होती हैं, पहली गिरफ्तारी उत्तम सरदार की तब होती है जब TMC से उसे निकाल दिया जाता है, उसके बाद एक हफ्ते बाद शिबू हाजरा की होती है जब शिबू हाजरा एक हफ्ते तक लगातार इंटरव्यूज दे रहा था, बेखौफ घूम रहा था इलाके में, उसके बाद जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई। हालांकि मामले में अजीत माइती TMC के एक नेता है, उनकी चप्पलों से पटाई हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन शेख शाहजहां 55 दिन की खोज के बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी पर हमले को 55 दिन बीत चुके हैं, साथ ही साथ महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं उसे भी करीब 20 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है शेख शाहजहां की। और इलाके में जो आंदोलन चल रहा था महिलाओं का, वो लगातार ये कह रही थी कि जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। मिली थी या फिर ये जैसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सरेंडर कर देना चाहिए। हमारे साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ गए हैं बंगाल के, सुकांतो मजुमदार, उनके साथ में हम बात कर लेते हैं। सुकांत जी, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अब देख रहे हैं कि कार्रवाई उचित होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर बैठा था, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ये टीवी पर देख रहा होगा। देखिए मैं पहले से ही बोल रहा था कि पुलिस जानती है कहाँ पे शेख शाहजहां छुपा हुआ है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, पूरी उनको मालूम है। और हमारी लगातार आंदोलन चल रही थी और पुलिस और सरकार पहले से ही ऐसे फोन पे ये वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने बोला था सरकार को हम बाध्य करेंगे, घुटने पे लाएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करें। आप लोगों ने ही मुझे पूछा था कुछ दिन पहले जी, जब मैं संदेश काली जाने की कोशिश किया था और मुझे अल्टीमेटली मैं गया था, वहां संदेश काली पहुंचा था